बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हो या उनकी फैमिली से जुड़ा कोई किस्सा हो, फैंस जानने के लिए बेताब रहते हैं। आज वो एक जाना माना नाम है, हर कोई उनके संघर्ष की कहानी को जानना चाहता है। इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे अमिताभ बच्चन ने अपने संघर्ष का एक किस्सा सुनाया। बिग बी ने बताया कि मेगा स्टार बनने से पहले उन्होंने कोयला खदान में काम किया था, लेकिन वो माइनिंग छोड़कर भाग गए थे। हॉट सीट पर बैठे एक कंटेस्टेंट ने बताया कि वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते थे, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वो माइनिंग इंजीनियर बने, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने बताया कि वो माइनिंग इंजीनियरिंग में 4 साल तक पढ़े। तभी बिग बी उनसे पूछते हैं कि उन्होंने माइनिंग में क्या क्या सीखा। इस पर कंटेस्टेंट ने कहा कि उन्हें बस ये महसूस हुआ कि उन्हें माइनिंग नहीं करनी है। फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि भाई साहब, एक प्राणी और है जो माइनिंग छोड़कर भाग आया था और वो आपके सामने बैठा है। बता दें कि एक बार अमिताभ बच्चन ने बताया था कि वो बंगाल की एक कंपनी में काम किया करते थे। उस वक्त उनकी भी नौकरी उस कंपनी के कोयला डिपार्टमेंट में लगी थी। कोयला डिपार्टमेंट में काम करने वालों को टोकरी में सामान लाद कर लाना पड़ता था। उन्होंने ये भी बताया कि नौकरी के दिनों में उन्हें कोयले के खदान तक जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, और वो भी बहुत नीचे जाना पड़ता था क्योंकि खदान बहुत नीचे थी। बिग बी के मुताबिक कोयला खदान में उन्होंने 7 से 8 साल तक काम किया था। साथ में उन्होंने बताया कि कोलकाता में उन्होंने अच्छा समय गुजारा था। बंगाल के कंपनी में काम करने के बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बता दें कि दिवाली से ठीक पहले बिग बी के साथ एक हादसा हो गया था। उन्होंने अपने एक पैर की नस काट ली थी। इस बारे में खुद अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग के जरिए बताया था कि पैर की नस कटने से खूब खून बहा। उन्हें अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ा, जहां डॉक्टर ने उनके पैर पर टांके लगाए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि मेटल के एक टुकड़े ने मेरे बाएं पैर की फांक को काट दिया, जिससे नस कट गई। नस कटते ही मेरे पैर से काफी खून बहा। ऑपरेशन थिएटर ले जाकर मेरे पैर में टांके लगाए गए। मेडिकल स्टाफ ने मुझे खड़े होने और हिलने डुलने के लिए मना किया था। यहाँ तक कि ट्रेडमिल पर खड़ा होने की भी मनाही है, और पैर पर दबाव डालने की भी। ये एक शर्मिंदगी है, इससे निकलने में थोड़ा समय लगेगा। मेरी मदद करो भगवान। उन्नीस में बिग बी ने फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की। इंडस्ट्री में खुद की अलग पहचान बनाने के लिए बिग बी ने कड़ा संघर्ष किया। फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर आई, जिससे उन्हें पहचान मिली। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।